हेलो दोस्तों, मैं गौरव राज चौहान फिर से आज एक बार आपके सामने आया हूँ। और आज का जो वीडियो लेकर के आया हूँ, इसके पीछे रीजन है। बहुत सारे हम लोगों के पास कॉल्स आ रहे हैं पूरे इंडिया से, इवन इंडिया के बाहर से भी हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है और हम लोग भी जो है अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी ला रहे हैं। और जो आज का वीडियोज़ ला रहे हैं वो उसी वीडियो से रिलेटेड है जैसा मेरा पहले इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड का है। वही वीडियो आज मैं लेकर के आ रहा हूँ। बट इसके पीछे रीजन ये है कि कुछ क्वेरीज बहुत लोगों का रह गया था जिसको मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूँगा। इवन और जो भी लोग इसको देख रहे होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, बिल्कुल सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अगर ऐसा करेंगे आप तो हम लोग बहुत मोटिवेट होंगे और आगे अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे। और इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, ये जो है जैसा कि आप भी जानते हैं, हम लोगों के स्टडी पर्पस में यूज होता है, कोचिंग में, स्कूल्स में, कॉलेज में, बहुत सारी कंपनीज में भी प्रेजेंटेशन पर्पस से लोग लेते हैं। और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और अभी जो जिसको हम डेमोस्ट्रेट करेंगे यहाँ पे, जो आप देखेंगे, ये अभी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। अगर बात की जाए तो अभी इंडिया के जो अभी इस सेगमेंट में जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसका क्वालिटी आप यहाँ पे देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। और बाकी जिनको अगर लेना हो, क्वेरी करना हो, कुछ जानना हो, नीचे हमारा नंबर चल रहा होगा, वहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। उस नंबर पे डायल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल करके आप क्वेरी कर सकते हैं। आपको ज़रूर उसका उस हिसाब से रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इसके सेटअप में क्या-क्या चीज़ें हैं और बाकी इसके फंक्शंस मैं दिखाऊंगा। जैसा कि आप बोर्ड देख रहे हैं, ये इंटरेक्टिव बोर्ड है और ये 82 इंचेस का है। अप्रॉक्सीमेटली इसका अगर डायमेंशन साइज़ की बात किया जाए तो 6 फीट बाई 4 फीट का है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये क्वेरी रहा, क्या सर इससे बड़ा बोर्ड मिल जाएगा, छोटा बोर्ड मिल जाएगा? सॉरी, हम लोग जो है यही स्टैंडर्ड साइज प्रोवाइड कराते हैं, टेस्टेड है। कभी भी आपको इस पे छोटा नहीं लगेगा कि हमने क्लासरूम में 8 फीट का बोर्ड लगाया है, 10 फीट का लगाया, सर छोटा हो जाएगा उस हिसाब से, ये नहीं है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल आपको छोटा नहीं होगा ये बोर्ड। और इसको रन करने के लिए क्या ज़रूरत होता है, तो एक मैंने इसको इससे एक यूएसबी केबल निकलता है जो मैंने सीपीयू से कनेक्ट किया हुआ है, लैपटॉप से, जो भी कंप्यूटर सिस्टम है आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। और एक प्रोजेक्टर चाहिए। अभी जो आप प्रोजेक्टर अभी हमने जो लगाया और जिसके साथ यूज कर रहे हैं वो एक एलईडी प्रोजेक्टर है। इसकी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, इसलिए आपको हो सकता है कि वीडियोज़ में उतनी अच्छी क्वालिटी देखने को ना मिले। बट मैं आपको श्योर करता हूँ, शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर अगर आप यूज करते हैं, किसी भी कंपनी का शॉर्ट थ्रो बढ़िया प्रोजेक्टर आप यूज करते हैं, तो क्वालिटी और भी बढ़िया होता है, विजिबिलिटी और भी बढ़िया होता है। अब आप कहेंगे कि आपने क्यों नहीं यूज किया, क्यों नहीं लगाया? सॉरी, मेरे पास अभी शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर नहीं था, दैट्स वाई। और वीडियोज बनाना था, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे, मैं सोचते रह जा रहा था कि मैं बनाऊँ बनाऊँ। और आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से कॉल कीजिए और जानकारी लीजिए, लोग इंस्टॉल कराइए। हम लोगों का भी पूरा प्रयास है कि अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, सर्विसेज प्रोवाइड करें। और अभी तक जो हम लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड किया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे कस्टमर्स बहुत सेटिस्फाइड हैं। रिपीटिंग हुआ है हमारे कस्टमर्स का, पहले उन्होंने 1, 2, 5 पीस लिया है, अगेन उनको ज़रूरत पड़ी है उस हिसाब से लिया है। हम लोग गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, हर तरह का प्रोजेक्ट करते हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और अब मैं फीचर्स के बारे में ये बताने जा रहा हूँ। पहले जो मेरा वीडियो देखा होगा वो एलईडी फ्लैट पैनल, एलईडी वाला पैनल्स है, वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। राइटिंग पैड, वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो किट होता है, एक आईआर किट आता है जो कि नॉर्मल बोर्ड इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड में, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एवरी काइंड ऑफ सॉल्यूशंस जो इस रिलेटेड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो यूट्यूब लाइव क्लासेस सेटअप करना हो, ऑनलाइन क्लासेस सेटअप करना हो, वीसी क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम करना हो, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना हो, ये सारी तरह का जो है कंप्लीट हम लोग सॉल्यूशंस देते हैं। बट इसके बारे में जो सॉरी इसके बारे में जो क्वेरी आ रहा था, मैं करूँगा कुछ टूल्स दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये कैसे, इसमें किस तरह के टूल्स हैं। सबसे पहले मैं राइटिंग करने जा रहा हूँ। तो राइटिंग में कुछ लोगों का क्वेरी था कि उनके पास सर बोर्ड है बट वो छोटा नहीं लिख पाते हैं।
ये चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा। जब मैं लिखूँगा, बोर्ड है, राइटिंग करते हैं, बट उस पर राइटिंग नहीं बनता, प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये भी आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, बिल्कुल नहीं होगा। बोर्ड है ये वाला, कहीं से लिया है मैंने, सर उस पर चमक आती है, स्पॉट बनता है, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपको। ठीक है कि स्टूडेंट्स अगर आपके बैठे हुए हैं क्लासरूम में, ऐसे भी तो वो चमक आएगी। तो और कुछ लोगों का क्वेरी था कि सर फास्ट नहीं होता है, बिल्कुल आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो मेन क्वेरीज हैं, छोटा नहीं लिख पाते हैं राइटिंग में, क्योंकि अगर बोर्ड कोई ले रहा है, स्मार्ट बोर्ड अगर कोई ले रहा है, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड कोई ले रहा है, और अगर उसको लिखने में सही नहीं है, इरिटेटिव इरिटेट कर देता है अगर उनको, तो उनका पर्पज़ सॉल्व नहीं होता है। और अगर पर्पज़ सॉल्व नहीं होता है तो ये बोर्ड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, और इरिटेट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि ट्रेडिशनल बोर्ड, मार्कर वाले बोर्ड पे लिखा जाए। और जैसा कि बहुत सारा एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा, बहुत ज़्यादा वीडियोस लंबा हो जाएगा, मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी, और जो भी एक इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए मैं इसके बारे में आपको दूँ। तो अब मैं इसके टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप देखेंगे। बोर्ड का क्वालिटी भी बहुत ही सॉलिड है, बिल्ड क्वालिटी भी अगर आप इसको देखें, जैसा कि आप देख रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया है। कैलिब्रेशन के बाद दिस इज़ द फर्स्ट अपीयरेंस, ये जो है आता है बोर्ड का। और इसमें टूल्स हैं, यहाँ सबसे पहले इधर जो टूल्स है इसके बारे में मैं डिराइव करूँगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ मेरा पेन है, ठीक है, पेन में ये सारा पेन है अलग अलग तरह का, और ये कलर्स है, कैसे इसका यूज होगा, ये कलर का फॉन्ट छोटा बड़ा करना, ये रेगुलर लाइन और डॉटेड लाइन लेने के लिए है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो ये पेन है, सबसे पहला मैं पेन, स्मूथ पेन इसको बोलते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये जब भी स्टार्ट करेंगे ब्लैक कलर सेलेक्टेड रहेगा, और जो भी आप कलर्स लेना चाहते हैं इसमें ले सकते हैं। तो अभी मैं कुछ चीज़ें आपको लिख करके दिखाता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सॉरी, मेरा फॉर्मूलाज हो सकता है कि मैं कुछ लिखूं वो गलत हो, बट हमारे उस चीज़ों पे ज़्यादा ना ध्यान देते हुए, हमारे राइटिंग और चीज़ों पे आप ध्यान देंगे, बिल्कुल मुझे प्रैक्टिस नहीं है व्हाइट बोर्ड पे लिखने का, इस पे भी नहीं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लिखने का, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत ही बढ़िया लिखा। और रही बात फास्ट और छोटा की, और भी छोटा लिख सकते हैं और बहुत बढ़िया लिख सकते हैं अगर आप देखना चाहेंगे। ये जो है ये यहाँ फिंगर टच से भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी फिंगर से किया, पेन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं कितना फास्ट लिख रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है, और छोटा लिखना है ये देखिए मैं छोटा लिख रहा हूँ, कलर चेंज करके मैं लिख दूँ, कलर चेंज करके भी दिखाई देगा आपको। ठीक है, इस तरीके से आप जो है डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, छोटा भी जिनको लिखना था छोटा लिख सकते हैं, बड़ा लिख सकते हैं। ये जो आपको साइड में पैनल्स दिख रहा है ये आपको यहाँ से फुल स्क्रीन हो जाते हैं, अब वो दिख रहा होगा आपको, फुल स्क्रीन हो गया। साथ ही साथ ये जो फंक्शंस है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सर लिखता हूँ तो बोर्ड भर जाता है, मैंने यहाँ पे टच किया और ये देखो सर, ठीक है, ये फिंगर से भी कर सकता हूँ मैं टच, है या लेफ्ट राइट अप डाउन, कहीं भी आप कर सकते हैं। दूसरा और भी अगर कुछ करना है, ये देखिए सर कितना छोटा है, कहाँ पे मैंने रख दिया कंप्लीट। अगर आप इस चीज़ को देखें, आप यहाँ पे ये ऐसा बोर्ड है कि एक जगह खड़ा होकर के लिखते जाइए, अगर आपको वीडियोस बनाना है और करना है उसका भी, आप वीडियोस भी बना सकते हैं, यूट्यूब पे लाइव भी इसको कर सकते हैं। कुछ लोग एलईडी फ्लैट, एलईडी जो डिजिटल बोर्ड होता है उससे करना चाहते हैं, वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बट जिनका बजट कम है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, नहीं खरीद सकते, तो इससे भी कर सकते हैं। और आप बिल्कुल देखें, बहुत ही बढ़िया, इससे भी आप कर सकते हैं, अगर बजट थोड़ा कम है आप शुरुआत कर सकते हैं। देखा, जैसे मैंने अभी छोटा लिख दिया, कर दिया, और आप इस पे जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, जैसे मैं अभी अपना नाम गौरव राज चौहान हिंदी में मैंने लिखा है, कलर अगर चेंज करके मैं दूसरे कलर में भी अगर लिखना चाहूँ, इंग्लिश में लिखना चाहूँ, आप ये देखिए कि फास्ट चल रहा है कि नहीं, बट बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स होता है, नहीं कर पाते हैं। तो पहला डाउट छोटा लिख सकते हैं, फास्ट चलता है, बहुत ही स्मूथ है। तीसरा फिंगर टच भी है, जो मैंने आपको दिखाया फिंगर टच है, और थोड़ा सा मैंने फॉन्ट मोटा कर दिया,
और अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कोई और कलर ले लेता हूँ। ये जैसे अगर आप ये पेज देख रहे हैं ना, इसमें बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं और बहुत सारा स्लाइड आप बना सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लस का साइन आता है, यहाँ पे आपने देखा एक इंडेक्स है जो मैंने पहला लिखा है, जितना भी ऐसे टच करते जाएँ वो सारा कुछ यहाँ पर आ जाता है। 8 नंबर स्लाइड्स पे अगर हैं अभी हम लोग सिलेक्टेड है वो आ रहा है। अगर हमको वेरी फर्स्ट जाना है, यहाँ पे मैंने टच किया फर्स्ट स्लाइड पे है, नेक्स्ट सेकंड स्लाइड पे है। अगर मैं चाहूँ कि इसका मैं कलर चेंज करूँ बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर भी सेकंड स्लाइड का मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने अभी ब्लैक किया, ठीक है। और इस पर अगर मुझे कुछ लिखना है, मैं पेन का कलर अगर वाइट ले लिया, तो अब मैं लिख करके इसे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आप देखिएगा कैसा ये दिखाई दे रहा है आपको। इसको मैंने मोटा किया हुआ था, थोड़ा और अगर मैं पतला कर दूं तो ये देखिए पतला हो गया। ये हो गया। तो इस पे और अलग अलग तरह से जो भी कलर आपको सूट करता है, जो भी जैसा आपको सूट करता है, उस कलर से जो है अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं। दूसरा जो है, अब इरेजर ही यहीं पे मैं बता देता हूँ। इरेजर जो है मेरा, देखिए एक बार ऐसे टच करते हैं, एक बार टच करते हैं इरेजर सेलेक्ट हो गया। बट मैं इसको सिलेक्ट करके टूल्स के ऊपर इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि टूल्स के बारे में भी आपको पता चले, ठीक है। अब ये टूल्स है बाई डिफॉल्ट, तो इसका क्या काम है ये देखिए किस तरीके से काम करता है। जिस भी पोर्सन्स को मैंने ये फिंगर ले लिया, ट्विस्ट ले लिया अपना, ये इस तरीके से भी आप इरेज कर सकते हैं। दूसरा जो है ये रीजन इरेजर, इसमें क्या है, जितना मैंने रीजन ले लिया ये इरेज हो जाएगा। तीसरा जो है, एक बार में अगर मुझे क्लियर करना है, हो सकता है दोनों क्लियर करने के लिए है कि ये भी ये बताएंगे। कभी अगर कुछ इमेज है उसके ऊपर अगर ये टच करते हैं तो इमेज इरेज नहीं होगा, टेक्स्ट इरेज हो जाएगा। इसको करते हैं पूरा पेज क्लीन हो जाएगा। अब आते हैं पेन्स पे, पेन पे आ गए और मैंने जो इरेज किया है, अगर उसको अंडू रिडू करना है, देखिए अंडू रिडू का भी फीचर्स है, आप इसको कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा वैसे टाइम लग जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बता दूँ। यहाँ पे जितने भी बोर्ड देख रहे हैं, अभी मेरा सेकेंड इंडेक्सिंग पेज है, ये मैंने किया। थर्ड जो बाई डिफॉल्ट आपको वाइट रहता है, आप चाहें तो ये बोर्ड का कुछ भी ऐसा बैकग्राउंड भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपका कुछ भी अगर इमेज है उसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर इस पे भी मैं कुछ लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। वेलकम इन यूरेका टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऐसे इस तरीके से जो है आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं बोर्ड का बैकग्राउंड। जैसे अभी मैंने ये चेंज कर दिया, आप देख रहे होंगे कॉर्नर पे जो आ रहा है, कितना खूबसूरत इफेक्ट्स लग रहा है, स्लाइड बन जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स हैं अलग भी। ये आप इसके अलावा जो दिया हुआ है, यहाँ से अलग भी इमेजेस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं नॉर्मल करता हूँ, नॉर्मल हो गया। कोई पार्टिकुलर बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, इस तरीके का हो गया। तो ये बहुत सारा बैकग्राउंड अपने अकॉर्डिंगली जो है आप चेंज कर सकते हैं। ये है सारे फीचर्स। दूसरा मैंने ये स्लाइड करने के लिए बता दिया, पेज इंडेक्सिंग बनाने के लिए बता दिया। ये फुल पेज हो जाता है, आपको मैंने ये दिखा दिया, ये पूरा फुल है। अगर बड़ा छोटा करना है, जूम इन जूम आउट करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और देखिए मैंने इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। सॉरी, मैं इसको ऐसे स्लाइड कर लेता हूँ। अगर लगेगी नहीं, अगर यहाँ जूम जूम पे अगर आप गए, ये वाला जो टूल्स अगर सेलेक्ट करते हैं, तो जस्ट इन ओरिजिनल पोजिशन, जो भी ओरिजिनल साइज था, जो भी ओरिजिनल पोजिशन था, उस पे ये आ जाता है, ठीक है। अब जो है मैं बाकी पेन और टूल्स जो है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो जो ऐसे भी मुझे पता है कि बहुत लंबा होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे बहुत ही फ्रूटफुल है। ये पेन को मैंने टच किया, ये पेन जो है मेरा इंटेलिजेंट पेन है। इंटेलिजेंट पेन का क्या काम है आप देख रहे होंगे, दिस इज आवर इंटेलिजेंट पेन। ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर से इसको मैंने सेलेक्ट किया, कहीं भी टच करके आप इसको रख सकते हैं, ठीक है।
तीसरा ये हाइलाइटर है। हाइलाइटर का क्या काम है, अगर कोई भी अगर कलर ले लिए और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उस पर हम हाईलाइट कर सकते हैं। अभी मैं करके आपको दिखा देता हूँ, जो हमारा पहले से कुछ लिखा हुआ था ये, सॉरी पेन सेलेक्ट नहीं था इसीलिए, इस तरीके से जो भी होगा हाईलाइटर, ये बड़ा फॉन्ट है इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ रहा है, तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं। दिस इज हाईलाइटर, जो मैंने तीसरा पेन दिखाया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो नेक्स्ट पेन, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड ब्लैंक करके चौथा पेज पे मैं हूँ। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का क्वेरी रहता है क्या मेरा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर इमेज फॉर्मेट में है वो क्वेश्चन आएगा और आप उसको देखेंगे और वहाँ पे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, पेज कभी खत्म नहीं होगा, पेज का साइज कभी छोटा नहीं होगा। बिल्कुल बात मानिए, इसको एक्सपीरियंस कीजिए, एक बार लेकर के देखिए, कहीं ना कहीं आपके टाइम को बहुत सेव करेगा, टाइम को आपको बहुत बचाएगा, ऑलमोस्ट 50% टाइम को आपको सेव करेगा। और बच्चों के लिए भी जब ग्राफिकली और इस तरीके से बताएंगे उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। और क्यों बढ़िया रहेगा कि बच्चों को अब आप ज़्यादा समझाने में फोकस करेंगे। तो बिल्कुल अब आप देखिए नेक्स्ट, मैं जल्दी जल्दी पेन्स के बारे में बता देता हूँ। ये पेन्स लेजर पेन है, अगर मैंने ऐसे किया ये ब्लिंक करता है, कुछ भी अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर ब्लिंक करता है, ठीक है। अब ये जो पेन है ये ब्रश पेन है, ब्रश पेन है, और इसमें आपको ये मिलता है। ये क्या है, ये कुछ गेस्चर है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। जैसे नेक्स्ट और प्रीवियस स्लाइड करना है, जैसे यहाँ नेक्स्ट पेज के लिए अगर मैं ऐसे करूँगा तो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, बट वो गेस्चर वाला टूल सेलेक्ट करना होगा। मैं एक एक और क्वेरी लोगों को रहता है कि क्या सर मैं फ्री हैंड अगर राइटिंग करूँ फिंगर से या पेन से जिस भी चीज़ से, तो क्या वो एक स्पेसिफिक वर्ड के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा वर्ड फॉन्ट फॉर्मेट में? बिल्कुल हो सकता है। देखिए हमारे यहाँ ये फीचर्स है, मैंने ये अगर अभी सेलेक्ट किया, सॉरी ये वाला, तो यहाँ पे ये आ रहा है। जो भी आप यहाँ पे फॉन्ट लेना चाहें, बोल्ड लेना चाहें, साइज लेना चाहें, जो भी आप साइज लेंगे उसके बाद अगर जब आप इस पे लिखेंगे तो वो चीज़ें हो जाएगा। देखिए दिस इज यूरेका। अब ये जो है, जो मैंने अभी लिखा है ये आप देखेंगे एक पार्टिकुलर फॉन्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि सर आपने वहां लिखा ये नीचे आ गया, बिल्कुल नहीं, ये सीधे जाएगा। ये इसलिए आ गया क्योंकि मैंने जो इसका जो लेंथ लिया था वो उस हिसाब से ये कन्वर्ट हुआ है। अगर मैं इसका उस हिसाब से अगर लेंथ कर दूं तो बिल्कुल आपको लाइन बाई लाइन इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, ठीक है। दूसरा इसमें जो है, ये जो टूल्स है सिलेक्टिव टूल्स, इसको मैं दिखा देता हूँ। सिलेक्ट करके किसी भी चीज़ को, जो भी है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे जब भी मैं सिलेक्ट करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आता है, कलर चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। देखिए ये जिस हिसाब से अलाइनमेंट है ये सारा कुछ कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, जहाँ भी लाना चाहें ला सकते हैं, कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, फॉन्ट कलर साइज, ये यहाँ से भी अगर चाहें कि मैं चेंज करूँ तो एरियल में मैंने किया, एरियल में हो गया। अभी दूसरा तरीके से मैं करना चाहूँ, दूसरा मैं अपराजिता करूँ तो अपराजिता में हो गया। देख रहे हैं आप चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अभी तो मैं अभी शुरुआत किया हूँ, आप देखते जाइए, बिल्कुल आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये जो पेन है, मैंने ये वाला पेन बता दिया, ये जो पेन है ये टेक्सचर पेन है। अगर इसमें से किसी भी तरह का आप टेक्सचर लेना चाहते हैं, या अभी आपको दिख जाएगा मैं एक टेक्सचर लेकर के लिख करके दिखाता हूँ, और आप कोई भी मैनुअल मतलब कोई भी इमेजेज है, टेक्सचर है, आप उसको यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, बहुत ही बढ़िया। ये थोड़ा टेक्सचर का कलर वैसा है तो आपको विजिबल ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए मैं दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। तरीके से ये बहुत ही बढ़िया, और इस तरीके से बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत आते हैं, जो कभी हेडिंग लिखना है, टॉपिक लिखना है, इस तरीके से टेक्स्ट लिखना है, बच्चों को अट्रैक्ट करता है, कंसंट्रेट करता है यहाँ पे, तो उनका भी ध्यान बना रहता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आएगा दोनों को, टीचर्स को भी बच्चों को भी, पूरा क्लासरूम जो है ना स्मार्ट हो जाएगा, बात मानिए बिल्कुल स्मार्ट हो जाएगा। ये कुछ, ये क्या है, ये मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से कुछ भी पैटर्न आप लिख सकते हैं, और ये इसको जो है बड़ा छोटा करेंगे। अब इस चीज़ को मैं लिखूंगा, देखिए छोटा हो गया, तो इसमें से कोई भी पैटर्न आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। और ये बम्बू पेन है, डिफरेंट टाइप ऑफ बम्बू पेन आर देयर, और इसको जब भी आप लिखेंगे, ये मैंने एक टाइप अगर बम्बू टेम ये लिया, दूसरा मैंने ये टाइप लिया, देखिए कैसे चेंज हो जा रहा है सब कुछ।
तो दिस इज ऑल अबाउट द पेन जो इसमें था. एक मैंने कोशिश किया है गो थ्रू सारे कराने के लिए. डॉटेड लाइन अगर लेते तो डॉटेड लाइन लिखता है, जैसे ये भी आप देख रहे होंगे. रेगुलर लाइन था सिलेक्टेड, इसलिए रेगुलर लाइन हम लिख पा रहे थे. ये देखिए, ठीक है. नेक्स्ट, अब मैं आता हूँ. बहुत सारे लोगों का रहता है कि कैसे इस पे इमेज आएगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो बहुत ही आसान है इसमें. जैसे मैंने अभी पेन दिखाया, बहुत सारे पेन है, उसके बाद इरेजर में भी बहुत सारा चीज़ें हैं. कुछ शेप मैं दिखा देता हूँ, ठीक है. ये शेप, और ये शेप में अगर आप बोल रहे होंगे कि सर ये जो कलर है, कलर फिक्स नहीं रहता है. अगर मैं कलर यहाँ से चेंज करना चाहूँ, यहाँ जो है साइडलाइन कलर है, अगर साइडलाइन कलर को मैं रेड कर दूँ, टील कलर को ग्रीन कर दूँ, तो अभी मैं जो भी शेप लूँगा आप वो देखिएगा उसका कलर कैसा आएगा. सॉरी रेड कलर मैंने साइडलाइन को किया है, टील कलर को ग्रीन कर दिया है. देखिए रेड ग्रीन जी. अब हम आपको जो है, मैंने यहाँ पे शेप्स वाला जो दिखाया था देख लिया, डिफरेंट शेप्स आते हैं इस तरीके से, उसका कलर साइड ये सारा कुछ चेंज कर सकते हैं. लाइन, डॉटेड लाइन, एरो, ये सारा कुछ इस हिसाब से ले सकते हैं. सारा कुछ करके नहीं दिखा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. कुछ जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स बचे हुए हैं जो लोगों ने क्वेरी किया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको भी कवर किया जाए इस वीडियो में जल्दी से जल्दी करके. ये टेक्स्ट आपने देखा, इस टेक्स्ट का जो पहले आपने एक टेक्स्ट देखा होगा और ये एक टेक्स्ट देखा होगा, ये जैसे मैं लंबा कर रहा हूँ लंबा हो सकता है. कीपैड अगर अटैच है, कीपैड से भी आप जो टाइप करेंगे यहाँ पे आएगा, या यहाँ ऑन बोर्ड जो कीपैड, बस मैंने टच किया और ऑन बोर्ड जो है कीपैड आ सकता है और उससे भी हम लोग टाइप कर सकते हैं. हाय हाउ आर यू, देखा होगा ये टाइप हो गया. ये जैसा भी फॉन्ट छोटा बड़ा, सारा कीबोर्ड का सारा फीचर्स है, फंक्शंस है, यू कैन टाइप हियर देयर वेरी फास्टली, ठीक है. टच करके, फिंगर टच से, जैसे अभी आपने देखा होगा मैं लिख दूँ, मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ये आप देखिए वो टाइप होते जा रहा है इस तरीके से, जो है ये टाइप होता है. अब इसको जो है मैं हटा देता हूँ. और यहाँ पे बहुत सारे टूल्स प्रॉपर्टीज, इसी तरीके से जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. ट्रैक कॉलिंग, विजिबिलिटी है, ऑर्डर है, मोर है, मोस्ट में देख लीजिए, लॉक करने के लिए, लिंक डालने के लिए, कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए. मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ. आगे टूल्स की तरफ मैं चलता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत लोगों के लिए, जो कि वो जानना चाहते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे जस्ट टच किया, उसके बाद ये ओपन हुआ. यहाँ पे जिस भी तरीके का फाइल्स आप ओपन करना चाह रहे हैं, हो सकता है आपको कैमरा में इसका फॉन्ट ये एक्सटेंशन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप यहाँ से PDF हो, वर्ड हो, इमेज हो, वीडियोज हो, ईजिली जस्ट क्लिक ओवर देयर, ये आ जाएगा. जहाँ कहीं भी आपका कुछ चीज़ें अगर रखा हुआ है, जैसे अगर मैं इसमें गया, मेरा शायद इसमें इमेज है पड़ा हुआ कंप्यूटर लोकेशन पे, तो मैं ये जा करके ऐसे कर लेता हूँ. ये देखिए आ गया इस तरीके से. और अगर इस पर मुझे लिखना है, ठीक है, या कुछ करना है, तो ये आपको आ जाएगा. आप देख रहे होंगे, कुछ भी करना है कर सकता हूं मैं, सारी चीज का यूज कर सकता हूं. अब यहां पे जो पेन है मैं उसका अलग अलग यूजेस कर रहा हूं और वो चीज़ें अब आपको मैं दिखा रहा था. तो इस तरीके से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन लाना होता है, तो इस तरीके से आपका इमेज फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन हो वो आ जाएगा. वीडियो चलाना है, देखिए मैं अभी टच कर रहा हूँ, मैंने बीच वाला ये टच किया, सारा कुछ आ गया. जैसे ये मैं अभी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ऐसे ही होता है कुछ आप लोग का क्वेश्चन थोड़ा ये सही आपको हो सकता है कि ना दिखे, क्योंकि मेरा ये जो इमेज है वो बड़ा इमेज है. आपका क्वेश्चंस का फॉर्मेट होगा तो ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ दिखाएंगे. तो ये है, और इसके साथ आप जो है इस पर पेन यूज कर सकते हैं जैसा कि मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है. ये भी, और दूसरी बात, मैं पेन के लिए मैं एक चीज़ और बता दूँ, किसी भी तरीके का आप पेन यूज कर सकते हैं. ये देखिए, ये मेरा पेन है, आपको दिख रहा होगा, नॉर्मल पेन, ठीक है, इंक पेन. इससे मैं, इस पेन से भी कोई भी पॉइंटर टच आप इस पे यूज कर सकते हैं. देखिए मैं अगर यूज करना चाहूँ यूज कर सकता हूँ. ये मेरे पास वुडन लकड़ी का है डिवाइस पेन, इससे भी मैं लिख सकता हूँ दोनों साइड से. दिख रहा है, मैं कैसे भी पकड़ गया, ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ में आ गया, जैसे भी मैं लिखना चाहूँ इससे लिख सकता हूँ.
ठीक है, इसको भी मैं अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ। अगर इसके ऊपर कुछ लिखना है, कोई अगर ऐसा कलर है जो मैं अभी दिखा देता हूँ, तो कोई भी पॉइंटर टच आप कर सकते हैं, फिंगर टच कर सकते हैं, मैं फिंगर टच कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने रख दिया। और इसके बारे में मैं बता रहा था, अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें अगर चाहे कहीं मेरा वीडियोज अगर रखा हुआ है, वीडियोज का फाइल है, तो उसको भी मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ से पूरे कंप्यूटर को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, कंप्यूटर पे मेरा जो कुछ भी रखा हुआ है उसको मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ और उसको मैं दिखा सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ कि अगर कुछ वीडियोज है तो उसको मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, ये जो है वीडियोज आ गया और वीडियो चल पड़ा। इस वीडियोज को जो है छोटा बड़ा जैसा भी मैं करना चाहूँगा वो हो सकता है। सॉरी, यहाँ देखिए, अगर आप वीडियो दिखाना चाहते हो ऐसे, इसी तरीके से वीडियोज भी आप दिखा सकते हैं। और ये मैंने क्लिक किया, ये वीडियोज आ गया। वीडियोज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आप, अपने अकॉर्डिंगली जहाँ चाहे रख सकते हैं। इसको मैंने प्ले किया, ये प्ले हो गया, आपका साउंड भी आएगा, वीडियोज भी आएगा। और ये चलो जी, चलो चलो जल्दी चलो, देखिए साउंड वाउंड सारा कुछ आएगा, आपका सारा कुछ आप कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे ये बड़ा करते जाएंगे बड़ा होगा। यहाँ पे कैमरा है, मैंने क्लिक किया, देखिए स्क्रीनशॉट, ये इसका स्क्रीनशॉट आ गया। बहुत सारे फीचर्स हैं, इस तरीके से वीडियोज ला सकते हैं, क्वेश्चंस ला सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये चीज़ें चल रहा है, इसका स्क्रीनशॉट है, कुछ चीज़ें अगर इस पर हमें बताना है तो वो साथ ही साथ मैं इसको डिराइव भी कर सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, ठीक है। ये वीडियोज क्या है, कैसा है, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं इसके ऊपर। वीडियो जो चल रहा है इसके ऊपर भी हम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इमेजेस के ऊपर, हमारे केस में वीडियोज के ऊपर भी लिख सकते हैं। बहुत सारे कहते हैं लोग कि वीडियो तो चलता है सर, उसके ऊपर नहीं लिख सकते हैं, ये लिख सकते हो। और यहाँ पे इरेजर का कमाल देखिए, एक मैंने जो इरेजर के बारे में जो फंक्शन बताने के लिए बोल रहा था, ये मैंने क्लिक किया, सारा टेक्स्ट क्लियर हो गया। देखिए सारा टेक्स्ट क्लियर हो गया था जो मैंने लिखा था। फिर से मैं करके दिखाता हूँ, ये चीजें नहीं क्लियर हुआ तो ये है। एक बार ऑल इरेज भी अगर करना चाहूँ इसको भी, तो ये सारा कुछ भी इरेज हो जाता है। देखिए इरेज हो गया, अंडू कर दूंगा तो आ जाएगा। तो इरेजर में बहुत सारे फीचर्स फंक्शनलिटीज हैं, जो मैंने दिखाया जो सेकंड लास्ट फीचर्स था वो टेक्स्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपको कुछ चीज़ें ऐसा लेकर के, थोड़ा सा एक चीज़ और बीच में ही मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बटन्स है, ये अगर इसको मैं टच करता हूँ तो देखिए आपको क्या होता है। ये मैं जो चीज़ लिख रहा था या कर रहा था जिस भी स्लाइड पे, जैसे जैसे मैंने जो किया है वो सारा रिपीट होता है। अगर आप कुछ चीज़ें पढ़ाए हुए हैं, अगर उसको समराइज करना चाहते हैं, तो बस यहाँ पे टच कीजिए, क्लिक कीजिए, वो सारा चीज़ें आपको वैसे ही समराइज हो जाएगा जैसा आपने इस पर किया है, ठीक है। इसको रोकना है, पॉज कीजिए, स्टॉप कीजिए, खुद ब खुद हट जाएगा। मैं कुछ लिखूंगा, फिर से आपको वो चीज़ें रिपीट मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये टैबुलर डाटा, अगर इस बोर्ड को टैबुलर डाटा के फॉर्म में बनाना है तो यहाँ पे जैसे ही पेन ले जाइएगा, जितना भी रो कॉलम लेना है आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। आ गया ये, सॉरी पेन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट था इसलिए ये आ गया था। ये देखिए, इसमें जो कुछ भी अगर आप लिखना चाहें, बड़ा छोटा करना चाहें, उसको आप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली आप। ठीक है, इसमें कुछ भी डाटा फिल करना चाहें आप कर सकते हैं। कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंगली इसको आप यूज कर सकते हैं, इस तरीके का है चीज़ें। अंडू रिडू का ऑप्शन आपको मैंने बता ही दिया है। पेज जो स्लाइड हो सकता है उसको फुल पेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड भी अगर आपको ऐड करना है वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। और क्या मैं आपको बता रहा था, कुछ स्पेशल टूल्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन आप देखते रहिए, बिल्कुल आपके लिए जो है मैं जो है
पीडीएफ भी वहीं से आपको आ जाएगा, मैं पीडीएफ भी करके दिखा देता हूँ अभी आपको, थोड़ा सा वेट करें, मैं कुछ स्लाइड्स और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, जी हाँ, पीडीएफ भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, यहीं से जो मैं दिखा रहा था कि जहाँ से आप इमेज ला सकते हैं, यहाँ से आप पीडीएफ भी जब कभी रखा हुआ है आपका, दूसरा आप पीडीएफ अगर लाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने टच किया, ये फाइल है, ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट है, इंपोर्ट यहाँ से जो भी है हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इमेज कर सकते हैं, पीडीएफ कर सकते हैं, वर्ड कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, पीपीटी का फाइल कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग एक्सटेंशन है, वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। जैसे मैंने पीडीएफ अगर लाना है, पीडीएफ मैंने सेलेक्ट किया, मैं देख लेता हूँ कि पीडीएफ मेरा कंप्यूटर पे जा कर के कहाँ पे है, कुछ पीडीएफ फाइल्स हाँ ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया, इसको जो है छोटा बड़ा सॉरी पीडीएफ फाइल जो है आप यहां से ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं, जस्ट क्लिक करना है, जहां कहीं भी आपका पीडीएफ फाइल रखा हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, ये ओपन हो जाएगा, इसको जो है छोटा बड़ा आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेन से होता है, फिंगर से भी होता है, जहाँ कहीं भी डबल फिंगर से भी करना चाहें तो ये देखिए मेरा दोनों डबल फिंगर यूज करके जूम इन जूम आउट ये सब होता है। और अगर इसके ऊपर मुझे कुछ लिखना है तो लिख भी सकते हैं, मैंने पेन सेलेक्ट किया है, और अब आप देखिए यहाँ पे ये लेजर पेन का देखिए क्या है, यहाँ पे आप हाईलाइटर का देखिए कैसे काम करते हैं, इस तरीके से जो है पेन का वर्ड पीडीएफ एक्सेल पे भी यहाँ पे आप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंटर है इसको मैंने किया, जहाँ कहीं भी करना चाहूँ हो जाएगा, और इरेजर का जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे मैं टच करके अगर यहाँ कर दूँ तो सिर्फ टेक्स्ट जाएगा, और यहाँ इरेजर टच करके इस पर कर दूँ तो पूरा मेरा बोर्ड क्लीन हो जाएगा। दिस इज द थिंग, पीडीएफ आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, वीडियोज कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फीचर्स है वो भी कर सकते हैं विथ ऑडियो। ठीक है, कैमरा लगा करके हमारी तरफ वीडियो भी कर सकते हैं। और मैं इसमें बताऊं, मैंने पॉइंटर के बारे में बताया, कुछ भी आप लिखे उसको भी आप जो है सॉरी ये चीजें मैंने दिखाया था, पॉइंटर टच कीजिए, जहां कहीं भी अलग अलग ले जाना है ये सारा कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अंडू रिडू के लिए मैंने बता ही दिया था, ये अंडू रिडू यहाँ पे है, ये सारा भी यूज कर सकते हैं। अब कुछ और भी स्पेशल टूल्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो आप देखिए यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे जो है कुछ मैथ रिलेटेड है, और आप फिजिक्स रिलेटेड केमिस्ट्री रिलेटेड टूल्स देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी लिया है मैथ रिलेटेड, तो मैथ रिलेटेड अभी आप देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे टच किया, देखिए साथ ही साथ इसके साथ बहुत सारे ये फीचर्स आप इसको यूज कर सकते हैं, कलर लाइन विड्थ जैसा भी करना चाहते हैं, शेडो इसमें जैसा लेना चाहते हैं वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ये सारे मैथमेटिकल टूल्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया ये यूज कर सकते हैं, ये देखिए एंगल के साथ आता है सारा कुछ आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने लिया इसको इधर कर दिया, जितने भी टूल्स आप देख रहे हैं ये सारा कुछ, ये एंगल लेंथ सारा कुछ बदल सकते हैं, एंगल को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसके साथ इस पर लिख सकते हैं, बता सकते हैं कुछ भी। ठीक है, दिस इज द थिंग। और अब आते हैं इसी तरीके से मैथ्स में बहुत सारे चीज है, फंक्शनल ग्राफ है, ये सारा कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। सॉरी मैं इस पर फिर से दिखा देता हूँ, इसको ऊपर करके फंक्शनल ग्राफ कैसा
बहुत सारे टूल्स हैं, आप इसको लेंगे बहुत सारे टूल्स आपको यूज करने के लिए मिलेगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें मैं दिखा दूँ। जैसा कि मैंने अभी मैथ्स का दिखाया, अब आपको मैं फिजिक्स का दिखा देता हूँ, ठीक है। फिजिक्स के लिए यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे इस तरीके के टूल्स हैं, मैंने ये लिया, तो ये पता है क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे टूल्स हैं इस तरीके से फिजिक्स का जो आप यूज कर सकते हैं, जो आप दिखा सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ऑप्टिकल्स है, इलेक्ट्रिकल लेजेंड्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, मशीन्स है, तो अलग अलग मशीन्स भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मेरे से ज़्यादा अच्छा जो इसके इस रिलेटेड टीचर्स हैं वो बताएंगे, वो कर सकते हैं। मुझे तो उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बताने के लिए, ठीक है, दिखाने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे टूल्स हैं जो आ रहा है, जो आप देख रहे हैं। ये फिजिक्स रिलेटेड मशीन रिलेटेड था, नीचे आ जाए तो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है, इसको भी वो यूज कर सकते हैं। एमीटर उमीटर, जो एमीटर इसको बोलते हैं आई थिंक सो, जैसा कि मैं जानता हूँ, इसको भी आप भी यूज कर सकते हैं। और ऑप्टिक्स का भी है बहुत सारा चीज़। अब ये जैसे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है। अब इसमें क्या है, सॉरी इसको थोड़ा सा ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, लाइट ऑन करने, देखिए लाइट ऑन हो गया, लाइट ऑफ करना है ऑफ हो गया, बहुत सारे अंदर में इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं सारे चीज़ें तो नहीं दिखा सकता, बट कुछ चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं दिखाऊँ। और इस तरीके से जो है आप मिरर है, लेंस है, उसको यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं कुछ केमिस्ट्री का चीज़ें दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे ये इसको देखिए, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका जो कैप है इसको ओपन कर सकते हैं, ओपन करने के बाद फायर भी कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं, फिर बंद भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फंक्शन राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ में, इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ों को यूज कर पाएंगे, अलग अलग शेप्स हैं। कुछ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, देखिए, सॉरी, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे जिस पे भी वेट पे इंडिकेट करना है, जिधर भी जो सामान आप रखना चाहते हैं इस पे रख करके कर सकते हैं। ये सारे बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं, इसमें भी फिजिक्स में भी बहुत सारे, केमिस्ट्री में सॉरी, केमिकल सिंबल, अदर्स, केमिकल कंटेनर्स, सब कुछ आपको मिलता है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये, इसमें क्या है, कुछ मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल टूल्स हैं, बिल्कुल आप देखिए। और इसमें क्या है, कंपास, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जितना भी सेंटीमीटर लेंगे यहाँ पे इंडिकेट करता है, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिए तो घूम जाएगा, स्केल लेना चाहे स्केल ले सकते हैं, जो भी। तो जो ज्योमेट्रिकल चीज़ें, ज्योमेट्रिकल इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो देना बड़ी ही मुश्किल होता है ट्रेडिशनल बोर्ड पे, अगर लाइन खींचना है इसे बताना इमेजिनरी, बट यहाँ पे जो है आप रियल टाइम उसको दिखा सकते हैं परफॉर्म करके, जो बच्चों को बहुत समझ में भी आएगा, पसंद भी आएगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे मैंने ये लाइन लिया, लाइन जो टीचर्स जनरली लेते हैं, इसके ऊपर कंपास रखते हैं, एंगल बनाते हैं, काटते हैं, फिर डी रखते हैं, कितना एंगल हुआ है, क्या हुआ है, वो सारा कुछ यूज कर सकते हैं। तो ये है जैसे हमारा डी है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ आर्क बन गया, अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ें चेंज कर दिया, मैंने टच कर दिया, अब देखिए आर्क का कमाल क्या होगा। यहाँ पे ये देखिए, इस हिसाब से एंगल कितना हुआ है, एंगल भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे आर्क कितना है वो भी दिखा रहा है। और इस तरीके का और भी लिटिल बिट फीचर्स हर चीज़ में है, आपको इसमें भी है, कंपास जो मैं यूज कर रहा हूँ स्केल में भी है, तो बहुत सारे इस तरीके के फीचर्स हैं जो आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली देखेंगे इसको, ठीक है। अब मैं आता हूँ कुछ दूसरे चीज़ में आपको बताता हूँ, पेज में एक बार में क्लीन करना है, एक बार में क्लीन हो जाएगा जैसे कि मैंने बताया है आपको, और यहाँ से आप कट भी कर सकते हैं, ऐसे टूल सट जाएगा।
दूसरा इसमें क्लॉक है, क्लॉक आप लगा सकते हैं पढ़ाते समय कितना टाइम हो रहा है, कितना देर से कितना देर मुझे पढ़ाना है, पढ़ा रहे हैं, ये रियल टाइम क्लॉक चलता है जैसे कि आप देख रहे हैं। बाकी इसमें सेट भी कर सकते हैं, जो भी यहाँ से स्टार्ट कर देंगे ठीक है, और जितना आप सेट करेंगे सेट हो जाएगा, उस हिसाब से क्लॉक चलेगा आपका। हाँ सॉरी पॉज हो गया है, यहाँ से मैं चला देता हूँ, ये चलेगा कितना सेकंड्स कितना मिनट है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन दे सकते हैं और क्वेश्चन को करा सकते हैं। अलग अलग टाइप का घड़ी है, आप इसको जितना भी करना चाहते हैं जितने मिनट पे उतना मिनट करके अगर आप स्टार्ट कर देते तो उस हिसाब से काउंटर ये स्टार्ट हो जाता है और चलने लगता है ठीक है। और भी लिटिल बिट फीचर्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी आप इस पर यूज कर सकते हैं ठीक है, ये है यहाँ पे। दूसरा जो है आपको कैलकुलेटर है ठीक है, और कैलकुलेटर भी इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर भी है, नॉर्मल कैलकुलेटर भी है, हर तरह का कैलकुलेटर जो है आप इसमें यूज कर सकते हैं लेंथ उन्थ मापने के लिए। बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है, जैसा ये अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे तरह के कैलकुलेटर, लेंथ कन्वर्टर, करेंसी कन्वर्टर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, ये सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये सारा कुछ इसमें है ठीक है। और एक बेहतरीन जो टूल्स है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप देखेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। ये दिस इज द थिंग, इसमें क्या है, 3D टूल्स। ये देखिए, इसको देखिए, जैसे भी आप घुमाएंगे बिल्कुल ये घूमेगा, इसमें जैसा भी कलर आप फील करना चाहते हैं, जैसे सॉलिड कलर मैंने एक ले लिया ठीक है, अभी ये देखिए घुमा रहे हैं। अब हर साइड को हर शेप को अगर अलग कलर देना है, अलग चीज करना है, वो आप यहाँ से कलर फील कर सकते हैं। जैसे मैं एक पोर्शन को ब्लू कर दिया, एक को मैंने रेड कर दिया ठीक है, दूसरा सॉरी इसको मैंने ये कलर कर दिया, तो बिल्कुल आप वो कर सकते हैं। यहाँ से ये हट गया, जैसे भी घुमाना चाहें घुमा सकते हैं, कलर आप डालना चाहें डाल सकते हैं इसमें। दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। और इसका जो है आप ओरिजिनल पोजीशन पे लाना चाहते हैं, बस मैंने यहाँ टच किया ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा हो गया थोड़ा कम, ये सारा कुछ हो सकता है ठीक है। साथ ही साथ इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, वो सारा कुछ कर सकते हैं, सारा कुछ आप देख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको क्यूब दिखाया, क्यूबॉइड होता है, स्पेयर्स होता है, सिलेंडर है, कोन है, हर चीज़ को आप रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देख रहे हैं टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, हर चीज़ देख सकते हैं। जैसे अगर मैं देखना चाहूँ इसका फ्रंट व्यू, देखिए कैसा आता है, टॉप व्यू कैसा आता है, लेफ्ट व्यू कैसा आता है, कलर अगर फील करना चाहें, सॉलिड कलर मैंने दे दिया, उसके बाद भी अगर कलर मैं कोई फील करना चाहूँ कलर भी मैं फील कर सकता हूँ ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पे जो है ट्रायंगल है अलग अलग तरह का, आप यूज कर सकते हैं। ये सब सारा रोटेट होता है फिंगर से, पेन से, जैसे भी आप रोटेट करना चाहें बिल्कुल, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये मैंने रोटेट कर दिया था एक बार, इसलिए ये घूमते रहेगा जब तक अगर इसको स्टॉप ना करें। एनिमेटेड कोर्सेज बनाना चाहते हैं, वीडियोज बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बहुत मज़ा आएगा अगर इस चीज़ को यूज करना है तो। इसी तरीके से ये भी है, आपको अलग अलग शेप, अलग अलग चीज़ें आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, जिधर भी घुमाना चाहें, जैसे भी करना चाहें। इसका लेफ्ट व्यू देखना है, फ्रंट व्यू देखना है, टॉप व्यू देखना है, हर कुछ आपको मिलेगा। ओरिजिनल व्यू पे जाना है, ओरिजिनल व्यू पे आपको इस तरीके से आप आ सकते हैं। ऑलमोस्ट फीचर्स मैंने आपको कर दिया है, कुछ फीचर्स हैं जैसे कर्टन लगाना, ये कर्टन आप यूज कर सकते हैं ठीक है। इस तरीके से ये घड़ी मैं हटा दूँ, बहुत देर से चल रहा है, इसको भी हटा सकते हैं। अलग अलग ये जो कर्टन था, कर्टन का अलग अलग साइज भी कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग है ये, जैसे अगर ग्लास है कुछ, अगर टेक्स्ट है लिखा हुआ तो उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैं अगर अभी करना चाहूँ तो कुछ ये देखिए, जहाँ कहीं भी मैं ले जा रहा हूँगा को दिखेगा। ये छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, जितना मैग्नीफाई करके। अगर छोटा टेक्स्ट का बुक है, अगर कुछ वो छोटा है आप उस पर लाए हैं, अगर इस तरीके से करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो करा सकते हैं। और भी यहाँ राइट क्लिक का प्रॉपर्टीज है, मैंने इसको हटा दिया अभी। और कर्टन्स है,
बाकी जो चीज़ें हैं रिकॉर्डिंग, अगर वीडियो रिकॉर्ड करना है यहाँ पे है, अगर आप विजुलाइजर इसके साथ ऐड करना चाहते हैं, विजुलाइजर का भी फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं इसमें, जिसको डॉक्यूमेंट कैमरा और विजुलाइजर बोलते हैं। टाइमर घड़ी मैंने बता दिया, अगर क्रॉप करना है किस चीज़ को क्रॉप कर सकते हैं आप वहाँ पर दिखा सकते हैं, और भी इस तरीके से कुछ फंक्शंस हैं जो छूट रहे हैं जो मैं नहीं बता पाया, वो आप यहाँ पे है जो देख सकते हैं। तो अब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे कि हमें ये बोर्ड चाहिए, इसका फीचर्स और फंक्शंस क्या हैं, बिल्कुल आप ये देखिए, जो यूट्यूबर हैं वो भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो उनके लिए ज़्यादातर अच्छा एलईडी का जो फ्लैट बोर्ड होता है, एलईडी का जो डिजिटल बोर्ड होता है, फ्लैट पैनल होता है, वो बहुत बढ़िया होता है उनके लिए, वो भी हम लोग सोल्यूशन देते हैं और आगे के वीडियो में उसको लेकर के आएंगे, डेफिनेटली उसको लेकर के आएंगे। पहले से भी एक वीडियो बना हुआ है, बट उस पर भी ब्रीफ थोड़ा अच्छा और बड़ा वीडियो लेकर के आएंगे टूल्स के साथ। और मैं बता दूँ, इस तरीके से मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे, बेल आइकन्स दबाइए, जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो हम लोग इस रिलेटेड वीडियोज आपको हमेशा डालते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। कहीं ना कहीं अगर आपको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है, हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, बिल्कुल याद कीजिए, जैसे अभी तक हमने अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड किया है, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे और उससे भी ज़्यादा और कोशिश करेंगे, चीज़ें उनको दी जाए, चीज़ें अच्छा किया जाए। और ये बोर्ड जैसा कि आपने देखा था, मैंने बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताया और बाकी चीज़ बताया, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस रहता है, बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो हमारे नंबर पे है, आप क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबडी।